सागर का 45 साल पुराना बस स्टैंड 41 दिन बाद फिर से चालू हो गया। शहर के बीचों बीच यह स्टैंड होने की वजह से न सिर्फ बस संचालक बल्कि शहरवासियों में भी प्रसन्नता है। इसके अलावा सालों से यहां पर काम धंधा करने वाले लोगों के चेहरों पर खुशी लौट आई है। लेकिन न्यू आरटीओ कार्यालय के पास बनाए गए न्यू बस स्टैंड पर 41 दिन के चहल पहल के बाद सन्नाटा पसर गया। हीरो एचएफ डेलक्स सेल्फ स्टार्ट माई आरटीओ बीमा सहित 4,000 रूपए के बम्पर डिस्काउंट के बाद अब मात्र 77,000 रूपए में आज ही अब हीरो एचएफ डेलक्स खरीदें। यहां सिर्फ चौकीदार ही नजर आए, हालांकि न्यू बस स्टैंड पर किए जा रहे कार्य इस गति से चलते रहे। यहाँ पर जो दुकान का निर्माण कार्य किया जा रहा है, मजदूर वह करते हुए नजर आए। बस स्टैंड के पीछे वाले हिस्से पर गाड़ियों के खड़े होने के लिए जो प्लेटफॉर्म का काम किया जा रहा था, वह भी उसी गति से किया जाता रहा। लेकिन स्टैंड के बाहर दर्जनों लोगों ने जो दुकान, कैंटीन, रेस्टोरेंट, चाय पान के ठेले लगाना शुरू कर दिए थे, वह बंद नजर आए। स्टैंड शिफ्टिंग होने की निराशा उनके चेहरों पर साफ झलक रही थी। उनके चेहरों पर निराशा छा गई। शनिवार से पुनः पुरानी बस स्टैंड से 500 से अधिक बसों का संचालन भी शुरू हो गया, जिसकी वजह से नई बस स्टैंड पर ना तो यात्री पहुंच रहे हैं, जो बसें थीं वह भी वापस आईं। दरअसल सागर शहर से यातायात के दबाव को मुक्त करने के लिए स्टैंड को शहर से 6 किलोमीटर बाहर शिफ्ट किया गया था। न्यू बस स्टैंड करीब 40 दिनों तक वहां से संचालित भी हुआ। यात्रियों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए लगातार सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही थी। लेकिन 13 जून से बस ऑपरेटर के हड़ताल पर जाने के बाद एक याचिका हाईकोर्ट में लगाई गई थी। इसके बाद हाईकोर्ट की एकल पीठ ने कलेक्टर के आदेश पर स्टे दे दिया और यह स्टैंड फिर वापस लौट आया। समझ में नहीं आया, वो तो इसे छोड़ दिया। अभिषेक ने भी खोल दिया आगे दुकान। हीरो एचएफ डेलक्स सेल्फ स्टार्ट माय आरटीओ बीमा सहित 4,000 रूपए के बम्पर डिस्काउंट के बाद अब मात्र 77,000 रूपए में आज ही अब हीरो एचएफ डेलक्स खरीदें।